लिमिटेड। वेल, बहुत दिनों से मैंने बैंगलोर में एचएल के बारे में सुना था और कई बार मुझे एक्चुअली लगता भी है कि इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए बींग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि हमारे जो आर्मी है, जो हमारे एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं, वो किस तरह से चीज़ें करते हैं, किस तरह से काम करते हैं। तो बस आज है संडे और मैं निकल पड़ी हूँ अपनी फैमिली के साथ एचएल म्यूज़ियम जाने के लिए। एंड अगर आप भी एरोस्पेस एंथुजियास्ट हैं और आपको भी बहुत पसंद है एरोप्लेन्स के बारे में जाना या फिर जेट्स के बारे में जाना, फाइटर जेट्स के बारे में जाना, तो आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है आज इस वीडियो में। सो लेट्स गो। ये है HF-24 मारुत, जो कि फाइटर बॉम्बर है। इसकी ओरिजिन प्लेस है वो है इंडिया और इसको मैन्युफैक्चर किया था HAL ने। इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो सक्सेसफुल रही थी वो थी 17 जून 1961 में। वेल, ये है MiG-21। ये फाइटर इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो है सोवियत यूनियन। इसको डिजाइन किया था मिक्योन गर्वेच ने। इसके जो मेनली यूजर्स रहे हैं वो है सोवियत एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, एंड इसको 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर में भी यूज किया गया था। वेल, दिस इज अ जेट इंजन। ये जेट में जो लगता है इंजन, ये वो है। मैं आपको दिखाती हूँ पूरी तरीके से। HJT-36, जिसको सितारा भी बोलते हैं, एंड इसका मेन रोल जो रहा है वो है इंटरमीडिएट ट्रेनर। वेल, ये है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA, जिसको आप तेजस भी बोल सकते हैं। ये सिंगल सीटर है और इसको इसलिए बनाया गया था जिससे कि जो हमारा ओल्ड एयरक्राफ्ट है MiG-21, उसको रिप्लेस किया जा सके। वेल, ये है लक्ष्य पायलटलेस एयरक्राफ्ट, जो कि विदाउट पायलट यूज किया जाता है एंड इसको रिमोट के थ्रू यूज करते हैं। इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था 9th नवंबर 2000 में। वेल, ये है कैनबेरा, जो कि एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। इसको इंडियन एयरफोर्स ने यूज किया था एज अ बॉम्बर एंड ट्रेनर। इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो यूज हुई थी 13th मई 1949 को। बच्चे उनसे पूछते, एक जो थोड़ा बड़ा बच्चा उनसे पूछते कैसा लगा। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं। ओके, हाँ, और बहुत ये अच्छा आपको लग रहा है। ये क्या पायलट ने दिया है किसी? ये मुझे छोटे पायलट ने दिया है। वो देखिए हमारा छोटा पायलट जो है वो ऐसे मॉर्निंग वॉक में निकला हुआ है। हाँ। और एकदम फ्रेश एयर है ना,
ठंड तो नहीं लगी हमें? हाँ, मम्मी को ठंड लग सकती है क्योंकि मम्मी जब घर से आई थी एक्चुअली तो ये तो देखा शॉल और एक स्वेटर लेके आई थी क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि बैंगलोर में ठंड हो रखी है तो वो अभी तक यूज नहीं हुआ है। तो अगर आपको पता हो कि बैंगलोर में ऐसे कहाँ जाएं जहाँ पे मम्मी का स्वेटर और शॉल यूज हो सके तो मुझे जरूर बताइएगा। दिस इज सी किंग MK42। इसका फर्स्ट फ्लाइट 1969 में फ्लाई हुआ था एंड इसके रोल मेनली है एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सर्च एंड रेस्क्यू, कैजुअलिटी एवैक्यूएशन, सर्च एंड स्ट्राइक, कार्गो कैरिंग एंड ट्रूप ट्रांसपोर्ट। मेडिसिनल प्लांट्स यानी कि औषधि उद्यान है ये। यहाँ पे जो नॉर्मली औषधि होती है या हम लोग शुगर फ्री यूज करते हैं, स्टीविया यूज करते हैं, उसके प्लांट्स हैं ये। ये सारे टाइप्स ऑफ ऑर्किड्स हैं ये। मैंने ऑलमोस्ट सभी एयरक्राफ्ट के इन्फॉर्मेशन बोर्ड आपको शो किए हैं तो अगर आप देखना चाहते हैं फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट एयरक्राफ्ट एंड जेट तो आप वीडियो पॉज करके वो भी देख सकते हैं। समझ में आया? सारे झूले बहुत अच्छे हैं लेकिन हम लोग बैठ नहीं सकते ना मम्मी। वो बच्चों के मतलब की चीजें हैं, बहुत अच्छी। बड़ों के मतलब के एरोप्लेन हैं, हेलीकॉप्टर हैं। अगर आप आते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, चला सकते हैं। बच्चों के मतलब के देखिए कितने सारे झूले हैं। ये देखो स्लाइड है, स्विंग है। दिस इज डव एंड इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो है 1950 में। इसका मेनली रोल था पैसेंजर एयरक्राफ्ट, पेस्ट कंट्रोल, लाइट कम्युनिकेशन, एग्जीक्यूटिव एंड एम्बुलेंस ड्यूटीज। वेल दिस इज हंसा एंड इसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बैंगलोर में। इसकी जो स्पेशलिटी है दैट इज डे नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटी विद अ लाइटनिंग प्रोटेक्शन। ये है हिंदुस्तान ट्रेनर HT2।
इसको डिज़ाइन एंड डेवलप किया है एचएल ने। इसका मेन पर्पस है ट्रेनिंग देना पायलट्स को, एंड इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो है अगस्त 1951। ये है इंजन्स जो कि एयरक्राफ्ट में यूज किए जाते हैं। दिस इज अ लैंडिंग गियर जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 2003 में। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बैठने के लिए काफ़ी अच्छी खासी जगह मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप घूमने आए हैं तो आप टायर्ड हो जाएं और बैठने की जगह बिल्कुल भी नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। एंड दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के वॉशरूम्स बहुत क्लीन हैं। आई थिंक कोविड चल रहा है इसलिए अभी फूड लाना अलाउ है अंदर। यूजुअली ऐसे अलाउ नहीं होता है, बाहर का खाना लाना अंदर अलाउ नहीं होता है, बट अभी आजकल कैंटीन भी जो कैंटीन्स हैं अंदर वो ओपन नहीं है, शॉप्स अंदर ओपन नहीं है, तो इस वजह से अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ड्यूरिंग कोविड आप जा रहे हैं चेल घूमने के लिए फैमिली के साथ तो आप खाने के लिए कुछ भी लेके जा सकते हैं। वेल, ये भाई साहब हैं पैराशूट के पायलट, नहीं रियल पायलट नहीं है, ये हैं डमी, यस एंड दिस इज पैराशूट। वेल, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है ईयर वाइज कि किस तरह से इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट हुआ हमारे एयरक्राफ्ट में, जेट्स में या एरोप्लेन्स में, एंड कौन कौन से अचीवमेंट रहे हमारे एचएल के लिए। वेल, यहाँ पे सिमुलेटर एंड ऑडियो विजुअल शो भी होता है एक, बट हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं इस वजह से हम नहीं जा पाए, बट नेक्स्ट टाइम अगर मैं जाती हूँ या आप जाते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वहाँ पे और क्या कुछ ख़ास है।
टुडेज वीडियो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड येस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब ट्रेनर टॉकीज। एंड येस, बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि उसी से आप नोटिफाई होंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।